एपिसोड 144 पावर डायरेक्टर गणेश। आनंद सखुजा सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ मुड़ा और उन्हें डांटते हुए बोला, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, अब जल्दी से मिस्टर भाटिया और मिस विदुषी से माफी मांगो। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का चेहरा उतर गया। आई एम वेरी सॉरी सर, ये सब कुछ हमारी गलती से हुआ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए, वैसे भी हम बस नॉर्मल लोग। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने बिल्कुल सही तरीके से सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करते हुए घर को संभालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए विधि बस पोहित से बोलने वाली थी कि दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स को माफ कर दो। लेकिन तभी जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी आवाज उठाई, मैं क्यों माफी मांगू, अगर कोई गंदे कपड़े पहन कर आएगा तो मैं उसे कैसे एंट्री दे सकता हूँ, मैं बस रूल को फॉलो कर रहा था। आनंद उस सिक्योरिटी ऑफिसर को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा। क्या तुम्हें तब रूल्स का ख्याल नहीं आया जब मिस विदुषी किसी लड़की से टकरा गई थी, तुम बस वहाँ खड़े होकर देख रहे थे और अब तुम उन्हें ताना मार रहे हो। मैं जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की बोलती बंद हो गई। तुम यहाँ से सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ और अपने पैसों का सेटलमेंट कर लो, क्योंकि मैं कल से तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, आनंद ने गुस्से में कहा। जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हैरान रह गया, उसे तब सिचुएशन की हालत का समझ आया। वो एक बार सेकंड चांस मांगने वाला था, लेकिन उसे अपनी और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवानी थी। वो बस उन सबके सामने चुपचाप खड़ा रहा और अपनी नजरों को इधर उधर घुमाने लगा। आनंद ने उसे दूसरी बार देखने की भी कोशिश नहीं की। वो मोहित और विदुषी की तरफ मुड़ा और शर्मिंदगी से मुस्कुराता हुआ बोला, मैं अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की बदतमीजी के लिए आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ, आप उनकी गलती की वजह से मुझे गलत मत समझना, मैं उनको अच्छे से अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा, आप लोगों को मेरी तरफ से फिर कभी ऐसी गलती को देखने का मौका नहीं मिलेगा। तिरछी नजर से विधि सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर को देखने लगी और उसे सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बुरा लगा। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने विधि से जरा भी बदतमीजी नहीं की थी, वो स्टार्टिंग से सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था। विधि ने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ इशारा किया और मोहित से बोली, तुम इनको। विधि की बात बिना सुने मोहित अचानक से उसकी बात समझ गया और बोला, आनंद तुम इस जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर को जाने दो। आनंद पहले सरप्राइज हुआ और फिर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाने लगा, मिस विदुषी आपका दिल बहुत साफ है। विधि को कुछ समझ नहीं आया, बस इतना बोलने से वो दिल की साफ हो गई। देखो ऐसा लगा जैसे कि मोहित ने उसके दिल की बातों को पढ़ लिया हो। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर बार बार विधि को देखकर थैंक यू बोलने लगा। अपने सीनियर को देखकर जूनियर सिक्योरिटी गार्ड ने फैसला किया और ऑकवर्डली माफी मांगने लगा, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। आनंद सर, मिस्टर एंड मिस, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकलवाओ, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विधि को इस जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर पर जरा भी दया नहीं आई। आनंद ने बिल्कुल सही बात कही थी, अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर ज्यादा रूल्स को मानने की बात कर रहा था तो इसने अमृता को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ये बस वहाँ खड़े होकर क्यों देख रहा था। विधि ने अपने होठों को दांतों के बीच दबाया और कुछ नहीं बोली। मोहित के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल चाकू की तरह तेज थे। आनंद ने मोहित के एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान दिया और बोला, प्लीज आप इसकी माफी की तरफ ध्यान मत देना, इन सब की वजह से मुझे मुसीबत उठानी पड़ी है, इस सिक्योरिटी ऑफिसर के पास प्रॉपर स्किल्स और क्वालिटी नहीं है, अगर ये आज मिस विदुषी के साथ बदतमीजी नहीं करता तो फ्यूचर में किसी और के साथ कर सकता था, उस वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स को सहना पड़ता, मुझे इस बार सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। मोहित आनंद की बातों से सेटिस्फाइड हो गया और विधि के साथ स्टूडियो के अंदर जाने लगा। आनंद उनको आगे का रास्ता दिखाते हुए अपने ऑफिस ले आया। आनंद ने मोहित को बैठने के लिए कहा और एक कप में चाय डाल दी। उसके बाद आनंद ने विधि के कपड़े बदलवाने के लिए एक आदमी को फोन करके अपने ऑफिस बुला लिया। उस आदमी के साथ जाने से पहले विधि को अचानक से कुछ याद आया और वो मोहित की तरफ मुड़ी, तुमने कहा था कि। मोहित ने लंबी सांस ली और एक बार फिर से विधि के मन की बातों को पढ़ लिया। वो आनंद से बोला, आनंद मेरे यहाँ आने की बात को किसी से मत कहना, मैं इस बात को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। आनंद हैरान होने वाला था, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशंस को संभाल लिया और मोहित की बात को समझते हुए बोला, ठीक है मैं सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को समझा दूंगा। विधि को आनंद की बात सुनकर बहुत रिलीफ मिला। बेशक मोहित वेवे डांस एंटरटेनमेंट का बॉस था, लेकिन लेजी होने की वजह से वो लोगों के सामने कम निकलता था, बल्कि बहुत ज्यादा ही कम। विधि ने अंदाजा लगा लिया कि मोहित को इस ऑडिशन स्टूडियो में
बहुत कम लोग जानते होंगे, और अगर उन लोगों ने मोहित के अपीयरेंस को पब्लिसाइज नहीं किया तो विधि को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वरना अगर लोगों ने इधर उधर बातें कर दी तो न जाने लोग विधि और मोहित के रिश्ते के बारे में क्या क्या कहानियां बनाएंगे। आनंद का एम्प्लॉय विधि को अपने साथ एक छोटे से मेकअप स्टूडियो में लेकर गया और वहाँ पर उसने विधि के लिए एक डांस आउटफिट ढूंढ ली। वो आउटफिट लॉन्ग फ्रॉक जैसी थी, ग्रीन कलर के साथ उस लॉन्ग फ्रॉक पर व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई थी। उस एम्प्लॉय ने माफी मांगते हुए विधि से कहा, आई एम सॉरी मिस विदुषी, हमारे पास यहाँ पर ब्रांड न्यू आउटफिट नहीं है, इस आउटफिट को प्रॉप टीम ने बोरो किया हुआ है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेशक इस आउटफिट को बोरो किया हुआ है, लेकिन बोरो की हुई आउटफिट को यूज करने के बाद सबसे पहले ड्राई क्लीन किया जाता है, आप खुद देख सकती हो। विधि ने उस एम्प्लॉय की बात को समझते हुए उसके हाथ से ड्रेस ले ली। अगर वहाँ पर मोहित नहीं होता तो विधि को ये ड्रेस भी नसीब नहीं होती। विधि इस ड्रेस को लेकर खुश थी। विधि के हाथ में ड्रेस पकड़वाने के बाद वो एम्प्लॉय मेकअप रूम का दरवाजा बंद करते हुए वहाँ से चला गया। विधि ने अपने कपड़े बदले और खुद को शीशे में देखने लगी। विधि को महसूस हुआ कि जैसे ये ड्रेस सिर्फ उसी के लिए बनी हो। उस लॉन्ग फ्रॉक की फिटिंग विधि को बिल्कुल परफेक्ट आई। विधि ने उस लॉन्ग फ्रॉक को पहने हुए कुछ डांस स्टेप्स किए और उसे उस ड्रेस में जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विधि उस ड्रेस से पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन जैसे ही विधि ने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ा, उसे बाहर कॉरिडोर में से आवाज सुनाई देने लगी। जो लड़की अभी ऑडिशन देने आई है, उस लड़की के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आ गई। कॉरिडोर से आवाज आ रही थी, काफी पतली थी। डायरेक्टर गणेश, क्या इस रोल को लेकर आपकी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं? इस लड़की का तो अमृता से कोई मैच ही नहीं है। उसका चेहरा, उसकी बॉडी, उसके इतराने का तरीका। दूसरी आवाज कुछ ज्यादा ही चटपटी सी लग रही थी। विधि हैरान हो गई। डायरेक्टर गणेश, माने गणेश थापा? विधि के मन में सबसे पहला सवाल ये आया। इससे पहले कि विधि कुछ और सोच पाती, पतली वाली आवाज वाला आदमी जोर से हंसा और बोला, तुम्हें वो लड़की पसंद आई, चलो मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को एक कमरे में अरेंज कर दूंगा। मैं आपकी जान पहचान की लड़की पर अपनी नजर कैसे? इस बार दूसरे आदमी की आवाज दबी हुई थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं वैसे भी उस लड़की से बोर हो चुका हूँ। वो लड़की अब लालची होती जा रही है, अगर मैंने इस समय उसको सबक नहीं सिखाया तो वो अपनी असली औकात भूल जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? इस बात के लिए तो मैं आपको पहले ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ डायरेक्टर गणेश। अपनी बात पूरी होने के बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उसकी आवाज दूर होती चली गई। विधि को समझ आ गया कि वो दोनों आदमी अब कॉरिडोर से दूर जा चुके हैं। कुछ देर तक विधि दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खड़ी रही। स्टेनलेस स्टील के हैंडल को पकड़े हुए विधि के शरीर में कपकपी उठने लगी। क्या डायरेक्टर गणेश इस मूवी के लिए लड़कियों का ऑडिशन ले रहे हैं, या फिर उन लड़कियों को अपनी बनाने के लिए? विधि ने कुछ पलों के लिए सोचा और ऑडिशन स्टूडियो जाने के बजाय वो वापस मोहित के पास ऑफिस चली गई। मोहित उसको वहाँ देखकर हैरान हो गया। विदुषी, तुम वापस क्यों आ गई? तुम्हें तो इस समय ऑडिशन स्टूडियो में होना चाहिए था। विधि को देखने के बाद मोहित का ध्यान उसकी ड्रेस पर गया। मोहित की आंखों में चमक आ गई। तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। विधि ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और बोली, मुझे कुछ याद आया, मैं जब एंट्रेंस पर अमृता से टकराई तब उसने बताया था कि इस रोल के लिए उसको पहले से इंटरनली डिसाइड कर रखा है। अगर ऐसा है तो मेरे ऑडिशन देने का कोई फायदा नहीं है। मोहित के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो इस बारे में आनंद के जवाब का इंतजार करने लगा। आनंद ने एकदम से जवाब दिया, सच में अमृता को कुछ भी संभालना नहीं आता। मिस विदुषी, आप उसकी बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो सबसे पहले इस रोल के लिए अमृता को चुना गया था। वो कुछ समय से गणेश थापा के बहुत करीब है और उसे डांस करना भी आता है। लेकिन जब असिस्टेंट डायरेक्टर ने इस रोल के लिए मिस विदुषी का नाम सजेस्ट किया तो डायरेक्टर गणेश भी दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्होंने अमृता से हुई डील को तोड़ने का मन बना लिया और इस रोल के लिए मेरिट पर लोगों को चूज करने का फैसला किया। अच्छा, विधि ने सोचा, अब मुझे समझ में आया अमृता मुझे इतनी नफरत से क्यों घूर रही थी। लेकिन क्या डायरेक्टर गणेश उसको उसके डांस के लिए एडमायर कर रहे थे या फिर